वेलकम बैक गाइस, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमोक्सिक्लेव 625 mg टैबलेट के बारे में। पहले मैं आपको इसकी कंपनी के बारे में बताऊंगा, फिर इसके प्राइस रेट के बारे में बात करेंगे, फिर इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे, इसका कॉम्पोजिशन कैसे बीमारी को हील करने में मदद करता है और शरीर में कैसे वर्क करता है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, फिर इसकी डोज के बारे में बात करेंगे और इस टैबलेट को आपने कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। गाइज, आप देख रहे हैं अमोक्सिक्लेव 625 mg की टैबलेट। कंपनी की बात करें तो अबॉट कंपनी है ऐसी जो अमोक्सिक्लेव 625 को बनाती है। अबॉट कंपनी का इस इंडिया में काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी बड़ा ब्रांड है इंडिया में। कॉम्पोजिशंस की बात करें तो इसके अंदर आपको दो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। पहला है अमोक्सिसाइलिन जो कि आपको 500 mg में मिलता है, और गाइज ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट है क्लेवेनरिक एसिड जो कि आपको 125 mg में मिलता है, और गाइज ये एक प्रकार का इनहिबिटर है। ओके गाइज, ये तो थी कंपोजिशन की बात। अब प्राइस रेट की बात करें तो 188 rupees की आपको 10 टैबलेट मिलती है। ओके गाइज, तो ब्रांड वैल्यू के कारण प्राइस रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। आगे अगर हम इसके सबसे सस्ते सब्स्टिट्यूट की बात करें मार्केट में कौन सा है, तो गाइस मोक्सिकाइंड सीवी 625 mg की टैबलेट मैनकाइंड फार्मा की आपको 128 rupees की मिल जाती है, और इसके अंदर भी आपको गाइस अमोक्सिसाइलिन 500 mg और क्लेवेनरिक एसिड 125 mg में आपको मिल जाता है, और गाइस इसका भी सेम रिजल्ट है, सेम वर्किंग है, और काफ़ी चीप प्राइस में आपको मिल जाता है। तो गाइज ये थी इसकी सबसे सस्ते सब्स्टिट्यूट की बात। अब आगे करते हैं इसकी वर्किंग की और इसके यूजेस की बात। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर दो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला है अमोक्सिसाइलिन जो कि एक मॉडरेट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि हाईली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारने के काम आता है, साथ ही ये कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी कम करता है, साथ ही उन्हें भी मारता है। और गाइज ये जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसके अंदर घुसता है और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसको बनने से रोकता है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो नहीं पाती और बैक्टीरिया धीरे धीरे मर जाता है। अब गाइज अमोक्सिसाइक्लिन के प्रति कई बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो रेजिस्टेंस हो जाते हैं, और वो एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं जिसे बेटा लैक्टामेज एंजाइम बोलते हैं, जिसके कारण अमोक्सिसाइलिन बैक्टीरिया के अंदर घुस नहीं पाता। और जो इसका दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट है मतलब क्लेवेनरिक एसिड, वो बेटा लैक्टामेज इनहिबिटर है जो कि उस एंजाइम को बनने नहीं देता, और इस प्रकार अमोक्सिसाइलिन बैक्टीरिया के अंदर घुसता है, उसकी जो वॉल है उसको डिस्टर्ब करता है, उसको बनने नहीं देता, और धीरे धीरे जो बैक्टीरिया है वो मर जाता है। तो गाइस ये कॉम्बिनेशन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक का निर्माण करते हैं, और ये काफ़ी सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करने में, साथ ही उनको मारने में काफ़ी यूज़ होता है। और काफ़ी सारे सर्जन हैं, चाहे वो ENT के सर्जन हो, चाहे वो डेंटिस्ट हो, चाहे जनरल सर्जन हो, चाहे लेप्रोस्कोपिक सर्जन हो, वो पोस्ट ऑपरेटिव इस मेडिसिन को लिखते हैं, और काफ़ी फेमस कॉम्बिनेशन है गाइज इसका अमोक्सिसाइलिन और क्लेवेनरिक एसिड का, और काफ़ी सारे बैक्टीरियाज़ को कवर अप करते हैं। तो गाइज इसके यूजेस की बात करें तो वाइड यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस, बहुत सारी कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। तो गाइज यूजेस की बात करें तो इसे कान के इन्फेक्शन में, अगर आपको ओटाइटिस मीडिया में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, खासकर मिडल एयर में, मध्य कान में अगर आपको किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इस टैबलेट का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। साथ ही अगर आपको नाक में, नेजल चैम्बर में किसी प्रकार के इन्फ्लामेशन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो गाइज इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, एक बार आप इसे ट्राई करके देखना। साथ ही अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन है, अब चाहे वो फेंजाइटिस हो या टॉन्सिलाइटिस हो, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, और ENT सर्जन इस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा इस टैबलेट को लिखते हैं। अगर आपको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, अब चाहे वो ब्रोंकाइटिस के रूप में हो या नेमेनाइटिस के रूप में, तब भी इस टैबलेट को सबसे पहले लिखा जाता है। कोई भी फिजिशियन होगा वो पहले
अमोक्सिसाइलिन और क्लेविनेरिक एसिड का कॉम्बिनेशन यूज़ करेगा नेमोनाइटर और ब्रोंकाइटिस को ट्रीट करने के लिए। साथ ही अगर आपको स्किन या सबकुटेनियस टिश्यू बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जैसे एक्नी वल्गैरिस को आप ले सकते हैं। इसमें डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन चलते हैं एंटीबायोटिक, और अगर इनका पुअर रिस्पॉन्स मिलता है इन एंटीबायोटिक्स का तब इस टैबलेट को दिया जाता है पेशेंट को और बहुत ही सुंदर रिजल्ट देखने को मिलता है। साथ ही अगर आपको एक्यूट या अनकॉम्प्लिकेटेड गोनोरिया की शिकायत हो तो गाइज इस टैबलेट की सिंगल डोज जो 3 ग्राम की होती है अगर आप उसको एक बार ले लेते हैं और स्ट्रेट ही डोज दी जाती है तो आपको गोनोरिया की शिकायत ठीक हो जाती है। साथ ही अगर आपको आँख में इन्फेक्शन हुआ है तो गाइज इसका बहुत ही अच्छा और सॉलिड रिजल्ट देखने को मिलता है। साथ ही अगर आपको स्टमक में अल्सर हो, खासकर डियोडनल अल्सर हो जो कि हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया से होते हैं, तब इसे प्रेस्क्राइब किया जाता है और इसे क्लारिथ्रोमाइसिन के साथ प्रेस्क्राइब किया जाता है जिसमें इसका सुंदर रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आपको फेब्राइल न्यूट्रोपेनिया है जिसमें वाइट ब्लड सेल की संख्या कम हो जाती है, इसमें इस कंडीशन में भी इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। साथ ही गाइज अगर आपको कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है जिसे CAP बोलते हैं, इसमें पेशेंट को खांसी आती है और साथ ही हाई ग्रेड फीवर होता है जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है, तब भी ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। अगर आपको डेंटल प्रॉब्लम है, आपके दांतों में रेशा है या इन्फ्लामेशन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है किसी भी प्रकार का, तब भी इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। साथ ही अगर आपको टाइफाइड फीवर है या जिसे आम भाषा में निकाला बोलते हैं, और इसमें ये जो टाइफाइड फीवर है ये सलमोनेला टाइफी के कारण होता है, तो गाइज इस टैबलेट का बहुत ही सुंदर रिजल्ट देखने को मिलता है अगेंस्ट सलमोनेला टाइफी। साथ ही अगर आपको सिस्टाइटिस है मतलब यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो या UTI ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जो कि खास तौर पर ई कोली बैक्टीरिया के कारण होता है, तब भी इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट अमोक्सिसाइलिन और क्लेविनेरिक एसिड का रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही अगर आपको प्रोस्टाइटिस हो यानी प्रोस्टेट की इन्फ्लामेशन हो या साइनस की दिक्कत हो, सिनुसाइटिस हो, तब भी गाइज इस टैबलेट का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। साथ ही अगर आपको बोन या जॉइंट इन्फेक्शन हो तब भी गाइज इसका टैबलेट का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो गाइज आप इस कंडीशन में इस टैबलेट को यूज़ करके देखना और बहुत ही सुंदर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। गाइज इसे बर्न केसेस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि बर्न केसेस में जो जख्म पड़ जाते हैं जले हुए, उनको सुखाने के लिए इस टैबलेट को लिखा जाता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तीसरे या चौथे दिन में ही पेशेंट के जो जख्म होते हैं वो सूखने लग जाते हैं और बहुत ही सुंदर रिजल्ट देखने को मिलता है। साथ ही आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे सेलुलाइटिस, ये एक दिक्कत है और इसमें भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। साथ ही पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में भी इस टैबलेट का रिजल्ट देखने को मिलता है। तो गाइज ये इसके यूजेस थे। आगे बात करते हैं इस टैबलेट को अपने कैसे लेना है। तो गाइज इस टैबलेट को आप खाना खाने के साथ पानी के साथ ही लें, इसे भूलकर भी खाली पेट ना लें क्योंकि ऐसा करने पर आपको चक्कर आ सकते हैं, उल्टी जी कच्चा हो सकता है। तो गाइज इसे भूलकर भी आप खाली पेट ना लें। तो गाइज ये थी इस टैबलेट को आपने कैसे लेना है। आगे बात करते हैं इसकी डोजेस की। तो गाइज इस टैबलेट को वैसे तो दिन में 2 बार दिया जाता है, या अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो आप दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। बाकी ये आपकी डिजीज़ की जटिलता पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी परेशानी है उस बीमारी से, तो ये आपका फिजिशियन ही आपको बताएगा कि इसकी जो डोज है वो आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए। वैसे गाइस इसकी इस टैबलेट की मैक्सिमम डोज 45 mg पर kg पर डेली होती है और ये गाइस इसकी मैक्सिमम डोज है। इस डोज से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, अगर आप लेते हैं तो आपका लीवर डैमेज हो सकता है या किडनी डैमेज हो सकती है, इसलिए गाइस भूलकर भी आप 45 mg पर kg पर डेली से ज़्यादा डोज ना लें, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो गाइस ये थी इसकी डोजेस की बात। आगे बात करते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इस टैबलेट से आपको लूज मोशन, नोजिया, वोमिटिंग या डिजीनेस जैसी दिक्कत हो सकती है, तो आप ऐसी कंडीशन में अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और साथ ही अगर आप लीवर के पेशेंट है या किडनी के पेशेंट है तब गाइज इस टैबलेट को आप भूलकर भी ना लें। साथ ही अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं या आप प्रेग्नेंट हैं तब आप इस टैबलेट की 250 mg का अल्टरनेटिव ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं।
तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक, आई होप ये टॉपिक आपके लिए यूज़फुल होगा। और अगर आपको इस टैबलेट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही किसी अदर टॉपिक पर अगर आप हमें किसी भी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं। ओके गाइज, धन्यवाद आपका। तो गाइज आज की हमारी वीडियो थी अमोक्सिक्लेव 625 के ऊपर। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। तो गाइज़ ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइज़ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।